मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। सिद्धार्थ शुक्ला ने सोने से पहले कुछ ली थी दवाइयाँ, नहीं उठ पाए सुबह। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ी हुई ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में निधन हो चुका है। बताया जा रहा है कि ये निधन जो है वो हार्ट अटैक के कारण हुआ है। और ये भी खबरें सामने निकल के आई है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने कल रात अपनी फैमिली के साथ डिनर किया और डिनर करने के बाद वो बेडरूम में सोने के लिए चले गए और तभी उन्होंने एक्चुअली में कुछ दवाइयां ली थी, जिसके बाद जो है जिसकी जानकारी अभी पुलिस जो है वो निकाल रही है कि आखिरकार उन्होंने कौन सी दवाइयां ली थी और किसकी वजह से दवाइयां ली थी। क्या डॉक्टर ने उनको ये दवाइयां दी थी या उन्होंने खुद ये दवाइयां ली थी। सुबह सुबह जैसे ही उनके परिवार को ये खबर मिली, वैसे ही वो उनके परिवार वाले जो है उनको कॉपर हॉस्पिटल लेके गए, जहां पर डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। हम आप लोगों को बता दें कि इस वक्त उनका परिवार जो है वो काफी ज्यादा शोक में है और इंडस्ट्री काफी ज्यादा शोक में है। सिद्धार्थ शुक्ला ने एक्चुअली में बिग बॉस 13 से काफी ज्यादा नाम कमाया। हालांकि उन्होंने काफी सारे सीरियल से बहुत ज्यादा नाम कमाया, पर उसी दौरान ही बिग बॉस 13 में वो लोगों के दिल जीतने में काफी ज्यादा कामयाब हो गए और हर एक दिल में वो बस गए। इसी दौरान ही जैसे ही फैंस को इसके बारे में पता चला, तब फैंस जो है वो काफी ज्यादा एक्चुअली में शॉक हो चुके हैं। वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम फिट थे वो कल रात तक। और जैसे ही वो सुबह उनके परिवार वाले उनको उठाने के लिए गए तो वो उठे नहीं, जिसके कारण उनके पूरे परिवार वालों के बीच में हबरा दबरी मच गई और उनको कॉपर हॉस्पिटल लेके जाया गया। अभी बताया जा रहा है कि उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है और पुलिस जो है वो लगातार डॉक्टर्स से जो है वो बात कर रही है। इसी दौरान ही ये भी चीज बोली जा रही है कि उन्होंने कल रात पिल्स खाई थी, वो दवाइयां कौन सी थी इसके बारे में जांच जो है मुंबई पुलिस निकाल रही है। बताया जा रहा है कि अभी तक उनके परिवार वालों से बात नहीं हो पाई है, क्योंकि परिवार वाले इस हालत में नहीं है कि कोई बयान दे पाए। उनकी माँ, उनकी बहनें और उनके जीजा जी एक ही बिल्डिंग में रहते थे और उन्होंने ही सबसे पहले जो है वो एक्चुअली में देखा। इसी बीच में जो शहनाज कौर गिल, जो कि उनकी काफी ज्यादा करीबी दोस्त थी, वो भी वहां पर मौजूद थी और शहनाज की भी हालत इस वक्त ठीक नहीं है। शहनाज भी काफी ज्यादा सदमे में गई हुई है और वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, बोल नहीं पा रही है, कोई भी बयान नहीं दे पा रही है। इसके ऊपर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल हुआ है। अभी जो पुलिस है वो लगातार डॉक्टर से बात कर रही है कि आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आएगी, इसके ऊपर देखा जाएगा कि क्या ये कोई फॉल है या एक्चुअली में कोई रिएक्शन हुआ है, तो ये दवाइयां आखिरकार आई कहां से, किसने उनको ये दवाइयां दी। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।